डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 3 संज्ञा उसका पार्ट 3 सीखेंगे बच्चों, जिसमें आज हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पेज नंबर 22 आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है, देखते रहिए उसे और समझते रहिए। चलिए आज मैं आपको टेबल से ये बातें सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। इससे पहले बच्चों हम देख चुके हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखिए टेबल में देखिए, तो यहाँ पे हमें दो टेबल दिए गए हैं। जो पिंक कलर है उसमें जातिवाचक संज्ञा दी गई है और जो ग्रीन कलर का टेबल है उसमें भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। आइए हम देखते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए बच्चा, तो बच्चा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे हम बचपन। शिशु, तो शिशु से हम बनाएंगे शिशुत्व या शैशव, दो में से कोई भी एक लिख सकते हैं आप। युवा, युवा से बनेगा यौवन, भाववाचक संज्ञा बनेगी यौवन। बूढ़ा, बूढ़ा से बनेगा बुढ़ापा, पीछे हम पा लगाएंगे बुढ़ापा। आदमी, तो आदमी से बनेगी भाववाचक संज्ञा आदमियत, यत लगाएंगे हम आदमियत। व्यक्ति, तो व्यक्ति से बनेगी भाववाचक संज्ञा व्यक्तित्व, व्यक्तित्व त्व लगाएंगे पीछे, ठीक है। चलिए सेकंड बॉक्स देखिए, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। नारी, तो नारी से हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा नारीत्व, नारीत्व, ठीक है, तो लगाएंगे उसके पीछे। पुरुष, तो पुरुष से हम बनाएंगे पुरुषत्व, देखिए पीछे त्व लगने से ये भाववाचक संज्ञा बनेगी, ठीक है। राक्षस, तो राक्षस से बनाएंगे राक्षसत्व, राक्षसत्व। देव, तो देव से बनेगी भाववाचक संज्ञा देवत्व, ठीक है। मित्र, तो मित्र से भाववाचक संज्ञा बनेगी मित्रता, मित्र से भाववाचक संज्ञा बनेगी मित्रता। मानव, तो मानव से भाववाचक संज्ञा बनेगी मानवता। तो इस तरह से यहाँ पे त्व ता लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, कि सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो देखिए पिंक कलर के और ग्रीन कलर के दो बॉक्स हम देखेंगे। चलिए सर्वनाम, अपना सर्वनाम है, देखिए अपना, मेरा, यह, वो, तो अपना से बनेगा अपनत्व, अपनत्व। पराया, पराया से बनेगा परायापन, परायापन, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। देखिए दूसरे बॉक्स में देखिए मम, तो मम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बनेगी ममत्व या ममता, दो में से कोई भी एक आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक शब्द है स्व, देखिए स्व, तो स्व से हम बनाएंगे स्वत्व, क्या बनाएंगे, स्वत्व। तो इस तरह से बच्चों भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कर सकते हैं, जिसमें हम जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और सर्वनाम शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप भी यहाँ पे पन, स्व, त्व, इयत ऐसे शब्दों पर आप अपने आप से भी भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। बच्चों ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाइए, तो आप इजीली इसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा दिया गया तो आपको लिखना है बचपन, नारी दिया लिखा गया हो तो आपको लिखना है नारीत्व, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मम लिखा हो तो आप ममता लिख सकते हैं,
इस तरह से आप और भी बहुत सारी भाववाचक संज्ञाएं याद करके लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम अगला टेबल देखते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो हम आज देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो बॉक्स दिए गए हैं उसके भी, ठीक है। पिंक कलर का है वो विशेषण है उसमें, और ग्रीन कलर की उसमें भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। चलिए हम देखते हैं। जैसे देखिए मोटा तो मोटापा, ठीक है। ठंडा तो ठंडक बनेगा, उससे भाववाचक संज्ञा। गर्म तो गर्मी भाववाचक संज्ञा बनेगी। ऊंचा ऊंचाई भाववाचक संज्ञा बनेगी। बड़ा बड़प्पन, देखिए पन लगाया पीछे। प्यासा प्यास। इस तरह से हम यहाँ पे इसकी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आइए दूसरा बॉक्स देखते हैं। देखिए खट्टा खटास भाववाचक संज्ञा बनेगी। मीठा मिठास, ठीक है, ये भी भाव, ठीक है, ये भी भाववाचक संज्ञा बनेगी। बहादुर बहादुरी, देखिए इसकी भाववाचक संज्ञा ई लगाकर बनाई गई। वीर वीरता, देखिए वीर के पीछे ता लगाया गया। डरपोक डर, ये उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी। हरियाली, हरा से बनेगा हरियाली। तो इस तरह से हम विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है उसके बारे में हम जाने। चलिए इसके भी दो टेबल हम देखेंगे। तो पिंक कलर जो है वो क्रिया है, ठीक है, और ग्रीन कलर में हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे देखिए हंसना हंसी ई लगाकर बनेगा। पढ़ना पढ़ाई, देखिए यहाँ पे ई लगाई गई। लिखना लिखाई, इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। दूसरा टेबल देखिए, रोना रुलाई, चढ़ना चढ़ाई, सजाना सजावट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार है उसमें, चार प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। पहले हमने देखा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, दूसरी बार हमने देखा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, तीसरे में हमने देखा विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, और चौथे टेबल में हमने देखा क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो इस तरह से हम चार प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं और अच्छे से उसे लिख कर याद कर सकते हैं, ठीक है। इजी है, इसमें आपको ई लगाना है, पा लगाना है, क लगाना है, ई बड़ी लगाना है, पन लगाना है, ठीक है। बड़ा बड़पन, बच्चा बचपन, इस तरह से, ठीक है। वीर वीरता, मम ममता, कायर कायरता, इस तरह से बहुत सारे शब्द हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं और इस तरह से हम उसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। चलिए तो बच्चों, इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा, आइए जरा उसे हम रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सीखा पॉइंट नंबर वन, किसी प्राणी वस्तु स्थान या मन के भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी प्राणी वस्तु स्थान या मन के भावों के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। पॉइंट नंबर टू, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। पॉइंट नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से होता है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा अगर हमें बनानी हो तो हम ये चार चीजों से बना सकते हैं,
जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से तथा क्रिया से। इस प्रकार हम यहाँ पे उसका निर्माण भी कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने पूरा टॉपिक सीखा, आप इसे जरा रिमाइंड कर लें। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन याद कर ले, संज्ञा के भेद, ठीक है, संज्ञा के तीन भेद उसके बारे में, और लास्ट में हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, भाववाचक संज्ञा मतलब कैसे बनाई जाती है, वो भी हमने टेबल के द्वारा देखा। तो बच्चों, आप इसे अच्छे से तैयार करें और एक्सरसाइज में जो जो भी बात समझ में आए उसे फिलअप करें। ओके, थैंक यू।